गुड आफ्टरनून, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप सब? सर ठीक है। सर आज का क्लास शुरू किया जाए? यस यस सर। सर। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया और काल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। क्रिया क्रिया का अर्थ होता है कार्य। कार्य मतलब वर्क। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है ऐसे शब्दों को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, सुन लीजिए फिर से। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने के बारे में पता चलता है ऐसे शब्दों को क्रिया कहा जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो इसमें भौंकना क्या हो गया? भौंकना भी तो कुत्ते का काम है ना, तो भौंकना क्या है? क्रिया हो गई। क्रिया बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना क्या हो सर जाएगा? खेलना खेल खेल क्या हो जाएगा? क्रिया क्रिया। अब हम जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता सर। है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक सकर्मक और अकर्मक। आप सभी लोग ध्यान देंगे, अकर्म। आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देंगे, बाद में लिख यस लीजिएगा, पहले आप लोग ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देंगे। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्ता और क्रिया के साथ साथ कर्म लगा हो, और अकर्मक जिसमें कर्ता और क्रिया के बीच में कोई कर्म न लगा हो। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ बारी बारी से। देखिए, सकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सर पढ़ता पुस्तक सर पढ़ता पढ़ता है। अब देखिए, सर आप पढ़ता देखिए, पहले सुन लीजिए। ये हो गया कर्ता, मोहन क्या हो गया? कर्ता। करता पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। और पुस्तक क्या हो गया? कर्म। सकर्मक कर्म मतलब इस क्रिया में कर्म होता है, कर्म उपस्थित होता है, इसलिए इसको सकर्मक कहते हैं। मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक तो कर्ता ने पुस्तक कर्म को, मोहन पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ने का प्रभाव किस पर जा रहा है? कर्म पे जा रहा है। ये क्रिया का कौन सा रूप होगा यहाँ पर? क्रिया पे। हाँ का कौन सा रूप होगा यहाँ पर? सकर्मक। सकर्मक और इसके ठीक उल्टा, इसके ठीक उल्टा अकर्मक होता है, इसमें कोई कर्म वगैरह नहीं होता। जैसे मोहन पढ़ता है, नहीं होता मोहन पढ़ता है। पढ़ता ठीक है, अब इसमें कर्म है, ये देखिए, यहाँ पे कर्ता है, यहाँ पे क्रिया है, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये कर्ता हो गया, ये हो गया क्रिया। कर्ता कर क्रिया क्रिया की परिभाषा क्या होगी, बताइए जरा आप लोग। तो शिवेश बताएगा क्रिया क्रिया की सर। परिभाषा। जिन शब्दों से सर शिवेश, जिन शब्दों जिन से शब्दों से कार्य किसी कार्य चेतन्य या होने का करके बोध होता है उसे पता क्रिया चले क्रिया कहते हैं। करते जिन हैं शब्दों से किसी कार्य के होने का किसी पता करके चलता है होने उसे का क्रिया उसे कहते हैं। क्रिया कहते हैं चलिए, सर। आप एक बार
सर सर कर्म क्रिया का डेफिनेशन बोल दीजिए। लिखिए, जिन क्रियाओं में सर आगे बोलिए, कार्य का फल, कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया न्यासा सिंह, आवाज क्यों आ रही है भाई? चलिए, तो सकर्मक और अकर्मक के बारे में सब कुछ पता चल गया। यस सर। इसमें कितनी चीजें हैं? सर अकर्मक क्रिया का भी डेफिनेशन बोल दीजिए। अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए, अकर्मक की परिभाषा लिखिए। सर बोलिए। जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यस सर। ठीक है सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया, और जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें किसी को पूछना है सकर्मक अकर्मक और क्रिया के बारे में? नो सर। ठीक है सर, अकर्मक जिसमें कर्म न हो, जिसमें क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े वो अकर्मक, और जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े वो सकर्मक। अब हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में। काल सर, आप द्विकर्मक क्रिया के बारे में नहीं पढ़ाएंगे? बता दे रहे हैं द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। द्विकर्मक क्रिया वो होती है, द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का ही भेद होता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्वि। अभी मैं उदाहरण के माध्यम समझा रहा हूँ क्या क्या होता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है एक कर्मक, और दूसरा है द्विकर्मक। आप देखिए परिभाषा अलग अलग। एक कर्मक जिस वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया और एक ही कर्म हो वो क्या होता है? एक कर्मक। और जिस वाक्य में एक कर्ता, एक क्रिया और एक से अधिक कर्म हो उसे क्या कहते हैं? एक और होता है बहुकर्मक। यस सर। जिसमें एक कर्म होता है एक कर्मक, जिसमें दो कर्म होता है दो कर्मक, और जिसमें बहुत ढेर सारे कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुकर्मक।
समझ में आ गई बात? जैसे देखिए एक कर्मक मोहन क्रिकेट खेलता है। सर क्रिकेट। अब देखिए ये मोहन करता होगा, इसकी संख्या कितनी है? एक है। और क्रिकेट सिर्फ एक खेल के बारे में बताया गया है, यहाँ पे एक ही है और खेलना एक ही क्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पे एक क्रिया एक है कि नहीं है बताइए। मोहन को क्रिकेट और खेलता फुटबॉल पसंद है। ठीक है, अब देखिए यस सर यहाँ पर कर्ता कौन है? मोहन। मोहन और फुटबॉल दो अलग अलग गेम है। यस सर। यस सर। यहाँ कितनी क्रियाएं हो गई? 1 + 1 = 2 पसंद है 2। तो यह इसमें क्रियाओं की संख्या एक है, सॉरी इसमें कर्म की संख्या एक है और इसमें कर्म की संख्या कितनी है? दो है। दो। इसलिए एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक। और जिसमें एक से अधिक क्रियाएं हो और एक से अधिक कर्म हो वो क्या होते हैं? द्विकर्म। बहुकर्म। ठीक है। डेफिनेशन बोल दीजिए, लिख ले। अरे डेफिनेशन के पीछे क्या भागते हैं? नहीं सर, अगर कोई पूछ लेगा तो बोल दीजिए ना। बोल दो, बस इतना याद रखो जिस वाक्य में कर्म की संख्या एक, एक कर्ता एक क्रिया एक कर्म हो एक कर्मक, और जिस वाक्य में एक क्रिया एक कर्ता और कर्म दो हो द्विकर्मक, जिस कार्य जिस वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया और कर्म की संख्या दो से अधिक हो बहुकर्मक। बस तो सर सब में बस कर्म ही बदलता है। बस कर्म बदलता है और कुछ नहीं बदलता है सर। बदल गया तो लिखेंगे तो भूल जाएंगे, उसको समझिए और समझकर उसको याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? काल। 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 काल मतलब क्या होता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का दो अर्थ होता है, एक होता है काल मतलब समय और एक होता है मृत्यु। कोई कहता है कि लग रहा है एक फला व्यक्ति का काल आ गया था, काल मतलब मृत्यु और काल मतलब समय भी होता है, दोनों होता है। लेकिन हमको मृत्यु के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको समय के बारे में पढ़ना है। किसकी समय के बारे में? क्रिया के समय के बारे में, क्रिया कब हो रही है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, लिखिए काल की परिभाषा। काल की परिभाषा लिखिए आप लोग। सर बोलिए। लिखिए सर बोलिए। काल क्रिया का रूपांतरण है। काल क्रिया का रूपांतरण है। काल क्रिया का रूपांतरण है। रूपांतरण कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं रूपांतरण? पेन से लिखते हैं, कागज पे ऐसे। सर मतलब उसने कैसे उसको कैसे मात्रा लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? हाथ से लगाएंगे ऐसे, पेन से। सर वो तो हमको सर मात्रा कौन कौन सी होगी? यस सर ये होगी। यस सर दिख गया, आप लिख ले रहे हैं उसको। चलिए हाँ लिखिए। काल क्रिया का रूपांतरण सर लिख लिए। जो कार्य के होने के, जो कार्य के होने के समय का, कार्य के होने के समय का बोध कराता है।
जो कार्य के होने के समय का बोध कराता है। यस सर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे काल के भेद। तो काल कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के काल होते हैं। चलिए, काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य। भविष्य वर्तमान काल क्या होता है? भविष्य, जो चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान। वर्तमान काल उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। भूतकाल। और जो आने वाला है उसे क्या कहते हैं? भविष्यकाल। नो सर, समझ गए। नो सर, इसको ये पता है हम लोगों को। ये पता है? यस सर, इसे मत सिखवाइए। चलिए, और किसी कुछ पूछना है? नो सर। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग उसका उत्तर बताएंगे, ठीक है? यस सर। चलिए बताइए, क्रिया की परिभाषा बताइए। नकल मारे बिना जिन शब्दों से कार्य के जिन शब्दों से किसी कार्य की शुरुआत होने का पता चले। आपका भी थैंक यू सर।